आज सावन का दूसरा सोमवार है और कल है सावन की शिवरात्रि। उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक, गुजरात तक, हर जगह माहौल शिवमय हो गया है। नदियों से पवित्र जल भरकर कांवड़िए मंदिरों में पहुंच रहे हैं, शिवलिंग पर चढ़ा रहे हैं और बम बम के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। हरिद्वार हो, देवघर हो, उज्जैन हो, चाहे दिल्ली हो, गोरखपुर हो या वाराणसी हो, बाबा के दर्शनों के लिए भक्त उमड़ रहे हैं, किस संख्या में उमड़ रहे हैं ये तस्वीरें सब बयां कर रहे हैं और पुलिस वाले भी लगातार मुस्तैद हैं। इस बीच में कहीं पर कांवड़ियों के पैर धोए जा रहे हैं और आज जो तस्वीरें देखने को मिली है वो कुछ ऐसी हैं जो आप देख रहे हैं। दुग्धाभिषेक हो रहा है, जलाभिषेक हो रहा है, तो लगातार अब लोग हर हर महादेव के जो है नारे लगा रहे हैं, बम बम भोले कर रहे हैं और इधर पुलिस वाले भी कांवड़ियों के पैर धो रहे हैं। तो कहीं पर मुस्लिम समाज कांवड़ियों पर फूलों की बारिश कर सामाजिक समरसता का उदाहरण पेश कर रहा है। देश के अलग अलग मंदिरों में सावन के दूसरे सोमवार पर उमड़ी श्रद्धा पर आधारित हमारी ये खास रिपोर्ट आप देखिए। हर जगह हो रहा भोले शंकर का गुणगान, भोले बाबा करेंगे हर समस्या का समाधान। दूसरे सोमवार को मंदिरों में शिव की भक्ति, सावन की शिवरात्रि पर मिलेगी उलझनों से मुक्ति। सावन के दूसरे सोमवार को शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। जहां देखो वहीं भक्ति का सैलाब नजर आ रहा है। मंदिरों के प्रांगण बम बम भोले की जय जयकार से गूंज रहे हैं। सावन की शिवरात्रि से ठीक एक दिन पहले सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर गंगा जल लाने वाले कांवड़ियों से शहर शहर, गाँव गाँव पूरी तरह भगवामय हो गए हैं। ये तस्वीरें हरिद्वार की हैं। हर की पैड़ी से लेकर शहर की गलियों तक कांवड़ियों से भरी पड़ी है। अपनी अपनी कांवड़ में गंगा जल लेकर मंदिरों में पहुंचने का उत्साह हर ओर नजर आ रहा है। यहाँ के मंदिरों में शिवरात्रि के लिए विशेष तौर पर सजावट की गई है। सावन के दूसरे सोमवार को हरिद्वार में भोले के दर्शन करने और शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं की लाइन लगी रही। ये बहुत अच्छा लगा। ये भगवान शिव की ससुराल दक्ष प्रजापति का बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ पे श्रद्धालुओं का रात से ही, आधी रात से ही जमावड़ा पूरा स्टार्ट हो रखा है। जल अभिषेक करके भगवान का सब लोग बाहर आ रहे हैं। पंचामृत, दूध, दही, घी, शहर से भोलेनाथ को स्नान करवाया, भांग, धतूरा, बेलपत्र, फूल, प्रसाद चढ़ाया। कैसी व्यवस्था है? बहुत बढ़िया व्यवस्था है। कैसा लगे दर्शन? कैसे? बहुत अच्छे दर्शन हुए। दिल्ली के छतरपुर शिव मंदिर की छटा भी निराली दिख रही है। सावन के दूसरे सोमवार को यहाँ भी शिवलिंग पर जलाभिषेक करने वालों की लाइन लगी रही। अब उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के भस्म आरती की इन तस्वीरों को देखिए। शिवलिंग की परंपरागत तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है। सावन के दूसरे सोमवार पर यहां भक्तों की भारी भीड़ रही। मंगलवार को शिवरात्रि के लिए भी यहां खास इंतजाम किए गए हैं। भगवान महाकालेश्वर की परंपरा अनुसार जो पूजा आरती जो होती है, जिसे हम भस्म आरती के नाम से जानते हैं और भस्म आरती के नाम से आरती की जाती है, लेकिन भगवान महाकालेश्वर की ये मंगला आरती है और इस मंगला आरती में भगवान को भस्म स्नान पूरे 12 ज्योतिर्लिंग में नहीं होते हैं, केवल महाकालेश्वर को भस्म स्नान होते हैं, इसलिए इसको भस्म आरती के नाम से पूरे देश में प्रख्यात है और जाना जाता है। अब आपको मध्य प्रदेश के जबलपुर लेकर चलते हैं। यहाँ के शिव मंदिर का निर्माण श्री यंत्र के आकार पर आधारित है। इसका निर्माण महीने के पुष्य नक्षत्र काल के दौरान ही किया जाता था। वैसे तो पूरे साल यहाँ शिव भक्तों की भीड़ रहती है,
लेकिन सावन के महीने में तो जैसे भक्ति का सैलाब ही उमड़ पड़ता है। केवल पुष्य नक्षत्र ही इसकी खासियत नहीं है, यह आप ये मान के चलिए कि श्रीयंत्र ही रखा हुआ है, मेरु प्रकार का श्रीयंत्र है। उसमें जो देवी देवता जिस स्थान पर विराजमान है वही मंदिर में उस स्थान पर विराजमान है। आप जो मंदिर का दर्शन कर रहे हैं साक्षात श्रीयंत्र रखा हुआ है। मंदिर का जो भी काम हुआ है तो ये जो पुष्य नक्षत्र आता है महीने में उस पर ही काम होता था, बाकी दिनों पर उस पर कोई भी कार्यविधि नहीं होती थी, उसी दिन जो है भरकर सारा काम करते थे, इसलिए इसे पुष्य नक्षत्र मंदिर के नाम से जाना जाता है। आगरा की प्राचीन परिक्रमा करने भी इस बार भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। 2 साल से कोरोना महामारी की वजह से परिक्रमा नहीं हो पा रही थी, लिहाजा इस बार बड़ी तादाद में भोले के भक्तों की टोली परिक्रमा करने के लिए निकली है। आगरा की परिक्रमा राजेश्वर महादेव मंदिर से शुरू होकर पृथ्वीनाथ महादेव होते हुए कैलाश महादेव मंदिर से बलकेश्वर महादेव मंदिर पर समाप्त होती है। हर जगह सड़कों पर बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है। आप शामली के केराना की इन तस्वीरों पर नजर डालिए। सामाजिक सद्भाव वाली इन तस्वीरों में मुस्लिम समाज के लोग शिव भक्तों पर फूलों की बारिश कर रहे हैं। कभी पलायन के लिए बदनाम रही केराना की धरती से मुस्लिम समाज सावन के महीने में हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देने की कोशिश कर रहा है। पिछले कई दिनों से हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर यूपी, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के हजारों शिव भक्त कैराना पानीपत खटीमा राजमार्ग से गुजर रहे हैं। संदेश ये भाईचारे का संदेश है, हमेशा से भाईचारा रहा, कस्मे कैराने के अंदर भाईचारा रहेगा। ये हमारे हरियाणा के भाई आते हैं, क्या नाम भगत, क्या नाम हम इनकी वो करते हैं, कल के दिन हमारी इज्जत मान सम्मान रखें। हरिद्वार से जल ला रहे कावड़ियों पर सहारनपुर में भी फूल बरसाकर स्वागत किया गया। यहां अंबाला रोड पर शिव भक्तों की सेवा के लिए एक कांवड़ सेवा शिविर भी बनाया गया है। ये सावन का पवित्र मास है तो इन शिव भक्तों की पूजा हम लोग कर रहे हैं, जिस मनोवैज्ञ के साथ ये कार्य कर रहे हैं, तो इनका पुष्प वर्षा करके और हमने यहां पर उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। प्रयागराज से राजपूत सूरज सिंह चलिए गोदी में आ जाइए। सावन के दूसरे सोमवार को वाराणसी पुलिस का मानवीय चेहरा भी देखने को मिला, जब प्रयागराज से आए एक विकलांग कांवड़िये को वाराणसी पुलिस के जवान ने गोद में उठाकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन कराए। सावन के दूसरे सोमवार को मोतिहारी के बाबा सोमेकेश्वर नाथ पर भी हजारों भक्तों ने जलाभिषेक किया। कल रात से ही श्रद्धालु बाबा के दर्शनों के लिए लाइन में अपनी बारी का इंतजार करते हुए खड़े हो गए थे। सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर और शिवरात्रि की तैयारियों के सिलसिले में पाली के इस प्राचीन सोमनाथ मंदिर को फूलों से सजाया गया है। सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। आज और कल दिन भर इस मंदिर में पूजा अर्चना होगी। इस मौके पर सोजत के एक कलाकार ने शिव की आकृति को पीपल के पत्ते पर उकेर कर अपनी आस्था प्रकट की है। उधर सीकर में सुहावने मौसम के बीच सावन के दूसरे सोमवार को दिन भर मंदिरों में भगवान शिव के जयकारे गूंजते रहे। पाली से भारत भूषण जोशी, मोतिहारी से सचिन पांडे, सहारनपुर से अनिल कुमार भारद्वाज, वाराणसी से ब्रजेश कुमार, सीकर से सुशील कुमार जोशी और शामली से शरद मलिक के साथ आज तक ब्यूरो।